वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पर। तो फ्रेंड्स, आज स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स हैं, उनको इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करने वाले हैं। तो डाउट कौन कौन से हैं, तो सबसे बड़ा तो स्टूडेंट्स का डाउट है वो है स्टेट एलिजिबिलिटी को लेकर, 15% ऑल इंडिया कोटा और 85% स्टेट कोटा को लेकर। तो इसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे और टोटल डिटेल में समझेंगे कि ये 15% ऑल इंडिया कोटा और 85% जो स्टेट कोटा है वो होता क्या है और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है वो क्या होता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपने नाम सुना होगा, और अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे फ़ोटो एंड सिग्नेचर को लेकर, उससे रिलेटेड स्टूडेंट्स के काफ़ी डाउट्स आ रहे हैं फ़ोटो एंड सिग्नेचर से रिलेटेड, तो उसको भी हम आज इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, और वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली मेडिकल से रिलेटेड हर एक वीडियो का जो अपडेट है वो मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी को लेकर, ठीक है। तो जो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी का आपको एक कॉलम मिला था, आपने जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था तब, तो स्टूडेंट्स के कन्फ्यूजन है कि मैं रहने तो यूपी का हूँ, अपने एग्जांपल लेते हैं कि मैं रहने वाला तो यूपी का हूँ लेकिन उसमें मैंने दिल्ली सेलेक्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया कोटा में आप जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर किसी भी स्टेट के लिए एलिजिबल हैं। किसी भी स्टेट में ऑल इंडिया 50% ऑल इंडिया कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हर एक स्टेट में जितनी भी सीट्स होती है उनमें 15% ऑल इंडिया कोटा की सीट्स जो है वो रिज़र्व होती है, और बाकी जो 85% सीट्स होती है वो एक पर्टिकुलर स्टेट अपने हिसाब से अपनी एक स्टेट की काउंसलिंग करवाकर उसको उन सीट्स को जो है वो भरता है। तो जो 15% ऑल इंडिया सीट्स होती है ऑल इंडिया कोटा, तो आप नाम से ही समझ सकते हैं ऑल इंडिया कोटा, तो उसमें किसी भी स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल है, सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। उस एक पर्टिकुलर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सब कुछ अलग ही होता है, उनमें 15% स्टेट को ऑल इंडिया कोटा जो है वो नहीं होता। अब बात करते हैं 85% ऑल इंडिया कोटा। तो फ्रेंड्स, 85% ऑल इंडिया कोटा के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, आपका होम स्टेट। आप बोलेंगे कि सर मैं रहने तो यूपी वाला हूँ, यूपी का, लेकिन मैंने 11वीं और 12वीं दिल्ली से की है, तो मेरा होम स्टेट कौन सा माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, होम स्टेट आपका वही माना जाएगा जो स्टेट आपकी 12वीं की मार्कशीट पर मेंशन है। पीछे एक कन्फ्यूजन हुआ था तो एनटीए ने साफ साफ जो है मेंशन किया था कि आपका होम स्टेट वही है जहाँ से आपने 12वीं की है, या तो आपका ये हो, या फिर आपने दिल्ली से 12वीं की है और आप यूपी के रहने वाले हो और आपके पास यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो आपका जो स्टेट कोटा के लिए आप यूपी से एलिजिबल हैं। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में बात कर लेते हैं, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो एक सर्टिफिकेट है जो यह सुनिश्चित करता है कि आप इस पर्टिकुलर स्टेट के रहने वाले हो। अगर हिंदी में इसको नाम दिया जाए तो इसका नाम है मूल निवास प्रमाण पत्र। आपने अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट से आप परिचित नहीं हैं तो मूल निवास प्रमाण पत्र से आप परिचित होंगे, ये इसका नाम है। तो ये नाम दिया जाता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको 15% ऑल इंडिया कोटा और 85% स्टेट कोटा का जो ये सारा फंडा है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपने स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में कौन सा भी स्टेट फिल किया है तो आपको प्रॉब्लम करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उसको चेंज करने की ज़रूरत है। वो आपको 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए पूछा गया था, तो ऑल इंडिया कोटा के लिए कोई भी स्टेट मेंशन है, अगर आपने जम्मू कश्मीर फिल कर दिया है तो गलत है आपने, तो उसको चेंज कर लीजिए। वरना आपने कोई सा भी स्टेट सेलेक्ट किया है वो टेंशन वाली बात आपको नहीं है। 85% स्टेट कोटा आप कब मांगा जाएगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो वो आपका काउंसलिंग के वक्त मांगा जाएगा, ठीक है। अब बात कर ले फोटो एंड सिग्नेचर को, तो फ्रेंड्स, फ़ोटो पे अगर आपने नाम और साइन नहीं लिखा है, नाम और डेट नहीं लिखी है, और सिग्नेचर आपने अगर ब्लू पेन से कर दिए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2019 में एनटीए ने इसको एक्सेप्ट किया था, और अगर एनटीए इसको एक्सेप्ट नहीं भी करता है तो आपको मेल या फिर मैसेज कर देगा। अगर आपके पास किसी भी इससे रिलेटेड कोई भी मेल या मैसेज नहीं आता है तो आप ये समझे कि आपका फॉर्म बिना किसी रुकावट के एक्सेप्ट हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी एंड स्टूडेंट्स के डाउट थे जिनको मैंने क्लियर करने की इस वीडियो में पूरी कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके कुछ डाउट्स बचते हैं इनके अलावा, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप सभी को वो डाउट्स भी आपके क्लियर कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट
अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।